इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है और ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगेगी। तो आपको हम बता दें कि एक और जहां विवाद हो रहा है अमर जवान ज्योति को लेकर कि अमर जवान ज्योति जो कि पिछले 50 सालों से प्रज्वलित हो रही थी इंडिया गेट पर, उसे बुझा दिया जाएगा, ये कहना है विपक्ष का। वहीं पर अभी ट्वीट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा इंडिया गेट पर लगाई जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है और उन्होंने इस बात को कहा है कि इंडिया गेट पर प्रतिमा लगाई जाएगी। उन्होंने अंग्रेजी में ट्वीट किया है और बाकायदा लगभग 7 मिनट पहले ट्वीट किया है, बाद में नेताजी की भव्य प्रतिमा इंडिया गेट पर लगेगी, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा। उन्होंने कहा कि टिल द ग्रैंड स्टैच्यू ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस इज कंप्लीटेड अ होलोग्राम स्टैच्यू ऑफ हिज वुड बी प्रेजेंट एट द सेम प्लेस। उन्होंने कहा कि जब तक भव्य प्रतिमा बनकर तैयार नहीं हो जाती है तब तक एक होलोग्राम के रूप में उनकी स्टैच्यू को वहां पर स्थापित किया जाएगा। I will unveil the hologram statue on 23rd January. उन्होंने कहा कि नेताजी के जन्म दिवस के मौके पर, बर्थ एनिवर्सरी के उनके मौके पर, यानी कि 23 तारीख को ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस स्टैच्यू का अनावरण वहां पर करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा 7 मिनट पहले ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि 23 जनवरी को होलोग्राम मूर्ति का उद्घाटन किया जाएगा। जब तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक भव्य प्रतिमा, एक भव्य मूर्ति बनकर तैयार नहीं हो जाती है, और यही वो ट्वीट है जो हम आपको दिखा रहे हैं। उनके ट्विटर हैंडल पर यही फोटो ट्वीट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिसमें उन्होंने कहा है कि कुछ इसी तरह से एक होलोग्राम के रूप में इसका अनावरण करेंगे 23 तारीख को, जो कि बर्थ एनिवर्सरी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, एक तरफ अमर जवान ज्योति को लेकर के अभी तक विवाद जो है अभी कायदे से एक तरह से सुलग ही रही है कि अब एक नई बात सामने आ गई है जिस पर विपक्ष का भी रिएक्शन देखना होगा कि एक होलोग्राम मूर्ति लगाने की बात प्रधानमंत्री कह रहे हैं अमर जवान ज्योति जहां पर है इंडिया गेट पर। देखिए बिल्कुल प्रधानमंत्री ये बात कह भी रहे हैं और होलोग्राम की मूर्ति जो है 23 जनवरी को उसका अनावरण करेंगे और सुभाष चंद्र बोस की वो 125वीं जो है बर्थ एनिवर्सरी है। तो एक तरीके से बड़ा कदम जो है मोदी सरकार की तरफ से उठाया गया है और प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा जो है पहले भी कर दी थी कि 23 जनवरी जो है कार्यक्रम के रूप में, भव्य कार्यक्रम के रूप में हर बार जो है मनाया जाएगा और उसे वीरता से जोड़कर देखा जाएगा। तो एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये घोषणा जो है विपक्षियों को और सवाल खड़े करेंगे, लेकिन सरकार ने अपना फैसला जो है वो ले लिया है और वो होलोग्राम ये किस तरह की मूर्ति होगी हिमांशु जरा हमें बताएं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में ये भी कहा है कि एक भव्य मूर्ति भी बनकर तैयार होगी जिसे बाद में लगाया जाएगा। देखिए बिल्कुल भव्य मूर्ति जो बनकर तैयार होगी उसका एक होलोग्राम जो है प्रधानमंत्री लॉन्च करने वाले हैं, उस होलोग्राम के अंदर सुभाष चंद्र बोस शूट करते हुए देखेंगे और जिस तरीके से अमर जवान ज्योति के ऊपर एक तरीके की मूर्ति स्ट्रक्चर बना हुआ वही स्ट्रक्चर होगा और उसी स्ट्रक्चर के अंदर जो है सुभाष चंद्र बोस की स्टैचू होगा और वो सलूट करते हुए दिखाई देंगे। तो ये प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया और वो स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, जैसे ही वो स्ट्रक्चर बनके तैयार होगा उसका अनावरण भी जो है वो किया जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु।